नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लखनवी गोविंद। तो दोस्तों, नॉर्मली हम लोग अपने स्मार्टफोन की जो वॉल्यूम अप और डाउन बटन होती है उसका इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपने स्मार्टफोन की आवाज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप अपने वॉल्यूम अप और डाउन बटन को और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए और स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और आप जो भी लगाना चाहें अपने कॉन्टेक्ट नंबर सिंगल क्लिक में वॉल्यूम अप या डाउन बटन पे लगाना चाहें तो वो भी आपके लग जाएंगे। कहने का मतलब है कि आप अपनी वॉल्यूम अप और डाउन बटन को फुली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आज यही बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में शुरू से आखिर तक। तो दोस्तों, वॉल्यूम अप और डाउन बटन को कस्टमाइज़ करने के लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है बटन मैपर। तो वो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि आप इसमें अपनी पावर बटन को कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने प्ले स्टोर में और ये हमने बटन मैपर ऐप को डाउनलोडिंग पर लगा दिया है। ये 3.5 से 4 MB का सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तो इसे हम डाउनलोड करते हैं और ये देखिए डाउनलोड हो गया। अब ओपन करेंगे, ओपन करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और इसको हम आगे स्लाइड करते हैं और स्लाइड करते ही हमें ऑटो स्टार्ट पे क्लिक करना है। और ऑटो स्टार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमसे बटन मैपर के ऑप्शन को ऑन करना है। ऑन करते ही हमें फिर से वापस आ जाना है, फिर आगे जाना है और यहाँ पे ओपन सेटिंग करेंगे। ओपन सेटिंग के बाद हमें यहाँ पे मोर डाउनलोडेड सर्विस पे जाना है जो ऊपर ही दिख जाएगा आपको तीसरे नंबर पे, और ये हम यहाँ पे फिर बटन मैपर को चूज़ करेंगे और यहाँ से इसकी ये जो एक्सेसिबिलिटी है यहाँ पे हम ऑन करेंगे। और उसके बाद में हमें कुछ इस तरह की सेटिंग दिखेगी और यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन आ चुके हैं, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, हेडसेट। यहाँ पे आप अपनी एयरफोन या हेडसेट की भी बटन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम अप की बटन को चूज़ किया है और यहाँ पे कस्टमाइज़ के ऑप्शन को ऑन करेंगे। अब यहाँ पे सिंगल टैप में आप क्या लगाना चाहते हैं, डबल टैप में आप क्या लगाना चाहते हैं और लॉन्ग प्रेस में आप क्या लगाना चाहते हैं, तो सिंगल टैप को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और हमने यहाँ पर डबल टैप को चूज़ किया है। आप यहाँ पे आप जो ऊपर एक्शन लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को अगर वॉल्यूम अप के ज़रिए खोलना चाहते हैं तो आप किसी भी यहाँ पे ऐप को भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ पे कोई ऐप हमें नहीं खोलनी है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक्शन को लगाते हैं, यानी कि हमें क्या एक्शन लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम अप की बटन पे लगाएंगे डबल प्रेस पे स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए नीचे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट पे टैप करेंगे और ये हमारी वॉल्यूम अप पे जैसे ही हम डबल प्रेस करेंगे तो हमारा स्क्रीनशॉट ये ले लेगा हमारा फ़ोन। और इसी तरह से हम लॉन्ग प्रेस पे आएंगे, लॉन्ग प्रेस पे तो दोस्तों हमें लगाना है अपने गूगल असिस्टेंट। तो ये देख लीजिए नीचे हमारा असिस्टेंट है, तो जैसे ही हम अपने पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारा असिस्टेंट खुल जाएगा। तो ये देखिए हमारा असिस्टेंट, तो हम असिस्टेंट को सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह से आप वापस आके वॉल्यूम डाउन को भी इसी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं बैक और अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने दोनों बटन को कस्टमाइज़ कर लिया है। तो दोस्तों, इसको कस्टमाइज़ करना बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, ये सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों, हमने दोनों बटन को कस्टमाइज़ कर लिया है, तो अब आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए हमने वॉल्यूम अप बटन को दो बार दबाएंगे तो हमारा स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा, ये देख लीजिए फ्रेंड्स। और अब हम वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारा गूगल असिस्टेंट हमने लगाया था, तो ये देख लीजिए हमारा गूगल असिस्टेंट खुल गया। और अब आ जाते हैं वॉल्यूम डाउन पे, तो वॉल्यूम डाउन पे दोस्तों हमने लगाया है लॉन्ग प्रेस पे अपनी फ्लैश टॉर्च, तो ये देख लीजिए हमारी फ्लैश लाइट भी ऑन हो चुकी है। तो दोस्तों, लॉन्ग प्रेस फिर से करेंगे तो हमारी टॉर्च बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप लगा सकते हैं। दोस्तों, हमने सिंगल टैप पे कुछ नहीं लगाया है।
तो दोस्तों अगर ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इस ट्रिक का वो लोग भी लाभ उठा सकें। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।